हरि ओम। आज के सत्संग में भगवान जी के बहुत प्रेरणादायक स्मॉल स्टोरीज दृष्टांत हैं। एक थोड़ा अकलमंदी वाला है, थोड़ा लाइट है लेकिन अकलमंदी वाला। मैंने कहीं मुल्ला नसरुद्दीन का उसमें सुना था। मुल्ला नसरुद्दीन जी के घर कोई चोर जी आ गए तो उन्होंने क्या करा, मुल्ला नसरुद्दीन जी कबट के अंदर छुप गए। जब चोर जी गुजरे, सब जगह से पूरा घर देखा, अलमारी खोलने लगे तो आगे मुल्ला नसरुद्दीन जी अंदर बंद हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों छुपे हैं? बोलते हैं, हमें जी शर्म आ रही है, आप हमारे घर आए हैं और हमारे घर से कुछ भी नहीं आपको मिला। जस्ट टू मेक यू लाइट, यू नो, थोड़ा हैवी हो जाता है ज्ञान भी, ये भी माहौल। एक वो सुनाया था आप लोगों को, अब शगुन वाला, रोज़ हंसा करो थोड़ा। ज़िंदगी को इतना, हमारे भगवान जी ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, हम जिंदगी का इंतज़ार कर रहे हैं, कब हमारा लास्ट श्वास होगा, हम जाएंगे, हमें मोक्ष मिलेगा। हम जब तक है, हम दूसरों को हंसाएं, प्यार करें। हाँ, एक संत ने पटाखे रखे थे अपने, वाह वाह, जब मैं जाऊँ तुम रोवो और मैं खुशी मनाऊँ कि हम जा रहे हैं दुनिया से, और मेरे जब जलाओगे तो पटाखे भी जलेंगे। ऐसे संत लोग भी हुए हैं। सारा टाइम इतना सीरियस भी नहीं ना हो, फिर मज़ा नहीं आता। हम दूसरों को भी थोड़ा लाइटर मूड में दें, माहौल ऐसा है। तो एक क्या था, देखो अकलमंदी कैसी होती है। एक इंसान ऐसा था राज्य में, वहाँ जिसका मुंह देखा जाए वो अपशगुनी गिना जाता था उसका। जो उसका मुंह देखता उसको खाना नहीं मिलता, उसके पूरा दिन काम सबके बिगड़ते थे। हम बोलते ना, सुबह सुबह अपने हाथ देखा करो, जा कोई अच्छी अपने गुरु की फ़ोटो के दर्शन करे, जा रामकृष्ण के, जो ठाकुर के। तो उसने क्या करा, लोगों ने शिकायत कर दी राज्य में राजा को, इस आदमी को जो भी देखता है तो उसको उसके काम बिगड़ते हैं, उसको खाना नहीं मिलता है। राजा ने बोला, रुको मुझे भी अनुभव करने दो। बाय चांस राजा ने उसका मुंह देखा, उस दिन इतना बिजी रहा, लोग आते रहे राज्य में, उसको ध्यान ही नहीं आया और खाने का समय भी निकल गया। तो राजा बोलते, बिल्कुल सही है, ये आदमी अपशगुनी है, इसको मौत की सजा दी जाए। जब मौत की सजा देने लगे तो उसे पूछा गया, कुछ बोलना है? वो आदमी बोलता है, राजन आपने मेरा मुंह देखा, आपको खाना नहीं मिला, मैंने आपका मुंह देखा, मुझे तो मौत की सजा मिल रही है, तो आप शगुनी कौन हुआ? देखो प्रज्ञा और विवेक से तो राजा को शर्म आ गई और उसने अपनी सजा भी रुकवा ली। कभी कभी लाइट भी हो जाए, हंसो, थोड़ा उत्साहपूर्वक जियो। हमारा ज्ञान इतना सुंदर है कि बस दूसरों को सेवा प्यार करना है। हमें हमारे जो मास्टर थे, हमारे गुरु थे, सारा टाइम दूसरों के लिए जिए हैं और खुशियां देने के लिए। लव ऑल अलाइक, हमेशा ये बोला है उन्होंने, लव ऑल अलाइक। अभी एक दृष्टांत में भी था ना, कोई हमारे साथ घृणा भय सब कर रहा है, हम उसको भी ब्लेस करें। हैबिट बना लो, ये सतयुग परिवर्तन होने वाला है। पता नहीं कितने साल, अभी बोल तो रहे हैं कि कलयुग का अंत है, पर दादा भगवान ने तो मेरे को लगता है पहले भविष्यवाणियाँ कर दी हुई थी उन्होंने। उन्हें रूहानी यात्रा की भी हमें तैयारी कराई थी, कैसे हमारा होना चाहिए हमें मोक्ष मुक्ति लेने के लिए। तो ये भविष्यवाणियाँ पहले हो चुकी थी, हमें सिखा दिया गया चुने हुए बच्चों को, ऐसे माहौल में हम दूसरों के कितने इस समय में कितना काम आएंगे। घर वालों को भी हंसाओ थोड़ा, सारा टाइम हम काम काम में लगे हैं, टाइम मैनेजमेंट करो, आपको वो टॉपिक भी दिया था। किचन में है तो किचन में ही लगे हैं, टाइम इज़ मनी मोर देन मनी, कितना समय लगना चाहिए, 10 मिनट से ज़्यादा बाथरूम में नहीं, किचन में। 1 घंटे में खाना काटना है, सब्जी आटा गूंदना है, बनाना है, शुड बी 1 आवर, बाकी 10-10 मिनट एक एक कमरे में सफाई के, फिर कितना समय है हमारे पास। मेरे भगवान जी का आज का वचन ले लो, टाइम इज मनी मोर देन मनी। शुक्राना, मुस्कुराना, गुनगुनाना, ये सब अभी लोग दूसरों के लिए यूज़ करो, खुद भी बनो। आई एम ए ब्यूटिफुल साउल, आई एम ए स्पिरिचुअल साउल, आई एम फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड, मैं ईश्वर सृष्टि से हूँ, आई एम ए रॉयल साउल। ऐसी अपने को आत्म सुजेशन दिया करो, जो दादा भगवान ने बोला, तुम एक आत्मा हो, आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो।